हेलो एवरीवन, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं साइकिल रेलियर गियर 6 और 7 स्पीड का, जो हमने 3 दिन पहले ऑर्डर किया था और आज हमारे पास पहुंच चुका है। ये हमने उसी बाईसाइकिल टूल किट के साथ किया था जो हमारे पास कल रिसीव हुआ था, और उसका वीडियो भी मैंने कल अपलोड किया था हमारे चैनल पर। और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और इसकी पैकिंग उससे अच्छी दिख रही है, और इसको जो जिस कंपनी ने पैकेज किया है वो अलग ही है। वैसे आया है फ्लिपकार्ट से ही है, लेकिन ये अदर शॉप से आया हुआ है। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। और ये मेरी फर्स्ट टाइम परचेज है गियर वाली साइकिल के इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो हमारा तरीका वो देसी है बिल्कुल, हम ब्लेड वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेते, हम डायरेक्ट ही तलाश करते हैं चीज़ों में। तो इसके अंदर निकल गया है, लुक इसका वैसा ही है जैसा उसके अंदर हमने देखा था, 7 स्पीड मिला है। और इसके जो बॉक्स पे तो लिखा हुआ है, इधर बिल पर तो 6 और 7 दोनों लिखा हुआ है, लेकिन इधर जो प्रोडक्ट की जानकारी है उसमें डिटेल्स में गियर 6 लिखा हुआ है और इस पर 7 स्पीड लिखा है। तो होप ये 7 स्पीड ही होगा। और अब हम इसकी पैकिंग भी अच्छी सी है, लेकिन थोड़ा इतना ही है कि अगर इसमें प्लास्टिक यूज़ करते, बीच में जो हम ज़्यादातर देखते हैं मोबाइल मंगाते हैं मोबाइल के साथ आते हैं, उससे क्या ये थोड़ा सेफ रहता है। अदरवाइज फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी है वो फास्ट एंड फ्यूरियस है, मात्र 2-3 दिन में आ जाता है। और हमारा एरिया है जो रूरल एरिया है, यहाँ पर रीच भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी 2-3 दिन में पहुँच जाते हैं। और आज सुबह ही ये रिसीव हुआ था, लेकिन दिन में मुझे टाइम नहीं मिला इसको अनबॉक्सिंग करने का, तो अभी हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये जो है ये प्लास्टिक मेटल का है, रेड कलर में, जो बिल्कुल सेम दिखा था, ये स्टील का है प्योर, और इस स्टील का ही मैंने ऑर्डर किया था। थोड़े स्क्रेचेज है, ये भी प्लास्टिक का है, स्प्रिंग अच्छे से काम कर रहा है, वो ओके है। और यहाँ का नट भी ओके है, और ये वायर कसने के लिए ये भी रेडी है। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब ये 7 स्पीड है या 6 स्पीड, इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 स्पीड। ओचिडा का है ये, जैसे सीमानों का होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस में होता है, कम से कम उसका 1000 रुपये लग जाते हैं। और इसकी रेट मुझे 400-500 रुपये में पड़ा था ये मुझे। इसके साथ और भी है, मैंने थ्री व्हील भी लिया है 6-7 स्पीड का, उसके बारे में रिव्यू करेंगे, लेकिन ऑलवेज ये अच्छा है। ये मेटल का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, इसलिए इसकी रेट भी कम ही थी, बट इस प्राइस रेंज में ये बहुत अच्छा है। ये स्टील मेटल है और वर्क भी स्मूथली कर रहा है, गोल ओके, हाई लो, थोड़े स्क्रेचेज है, हाँ अगर पैकिंग सही करते तो इसमें ये स्क्रेचेज नहीं आते, या फिर हो सकते स्क्रेचेज पहले से ही हो।
हमें ये रिसीव हो गया है अच्छे से और अच्छा है। अभी इसमें मतलब ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके लिए हमें इसको रिटर्न करना पड़े, और फिर उसका तो बाद में ही पता चलेगा जब हम इसको साइकिल में यूज़ करेंगे। अगर आपको भी ये चाहिए सेम, तो मैं इसकी लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं जो मैंने किया है वहाँ से। और इसकी डिलीवरी भी फास्ट होती है और प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है, सो इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा है। और आप भी मेरी तरह मॉडिफाइड करना चाहते हो तो आप इसको मंगा सकते हो, वरना अगर साइकिल लाओगे तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी। ऊपर इसमें आप नॉर्मल साइकिल लाओगे और ये गियरिंग सिस्टम लगाओगे तो ऊपर में 2000 का खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 या 3। मैंने अभी सारा सामान मंगाया है वो 4000 के आसपास का है, क्योंकि मैंने थोड़ा हैवी मेटल का मंगाया है क्योंकि वो मेरी साइकिल है वो रिकम्बेंट है उसके लिए। सो थैंक यू। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।